सबने, पूरी दुनिया ने एनिमल देखी है। उसमें जैसे रणबीर जाके अपनी बहन के लिए क्लास के बड़े लड़कों से झगड़ा कर लेता है, आपके लिए रणबीर ने कभी बचपन में कभी किससे झगड़ा किया है? नहीं, मैंने किया है। मैं हैवीवेट चैंपियन थी, मैं पटकती थी इसके दोस्तों को। मैं सिंगल पसली था। ये सिंगल पसली था, मैं धोती थी उनको। ज्यादा जब हम छोटे थे पाजी तब वो बहुत पॉपुलर हो गया था ना WWF, जो अंडरटेकर हल्क होगन। तो जब भी मम्मी पापा बाहर निकलते थे तो हमारा WWF शुरू होता था। तो एक टाइम था जब ये मेरे से बड़ी थी, फिर 2-3 साल में मैं और बड़ा हो गया। तो जो पिटाई मैंने इसकी की है ना, मतलब मुझे अभी बुरा लगता है, लेकिन मैंने बहुत मारा है इसको। मैं जब भी हम लोग बाहर जाते थे डिनर्स के लिए, तो मैं रणबीर को बोलती थी, ऐसे रणबीर वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर, तूने हाथ भी लगाया ना मेरे बेटे को तो तू देखता भी। अच्छा। ऐसे वार्निंग देती थी। और थी तो ये कंप्लेंट बॉक्स, मैं उसको फू भी करता था, मम्मी मारा। आज आप मम्मी के साथ आए, मैं आपकी मम्मी से पूछना चाहूंगा, ये जो बर्फी वाला रणबीर है, शांत वाला, असल में रणबीर बर्फी वाला है या जो एनिमल वाला एग्रेसिव वाला है? बर्फी से नीचे कुछ हो सकता है? अच्छा। इतना शांत है, इतना शांत है, बहुत शांत। ही इज लाइक ज़ेन, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी आप बोल रहे हो ना हिट होगी एनिमल एनिमल, उसको नहीं कुछ फर्क पड़ा। ऐसा बोलते हैं ना, और सच भी है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप का ही मिश्रण होते हैं। आपको क्या लगता है मैम, आपके बच्चों में आपकी कौन कौन सी क्वालिटीज आई हैं? सो आई फील या दे बोथ हैव माय शांतनेस, मतलब कूल है, वो भी बहुत कूल है। अच्छा। आज तक किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं की होगी। रिधिमा इज लाइक दैट, ये तो पूरी दुनिया जानती है। हाँ। ऊंची आवाज तो इसने कभी इसके आस पड़ोस में गली कहीं भी नहीं गई है। बट आई थिंक इनको जो संस्कार दिए वो मेरे हस्बैंड ने दिए, ऋषि जी ने। टाइम का वैल्यू, पैसे की वैल्यू, आई थिंक सबसे बड़ी बात है इज्जत करना लोगों की, रिस्पेक्ट, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर टाइम। मतलब कि इतना वो स्ट्रिक्ट थे इनके साथ, और सबसे जैसे वो बात करते तो बच्चे देखते हैं ना। Right. जैसे पापा कर रहे हैं, सो दे सी दैट, दे सीन दैट। संस्कार बहुत अच्छे इन दोनों के हैं, एंड आई फील राहा में भी वही संस्कार जाएंगे, बिकॉज ये ऋषि जी का बेटा है। कैसा लग रहा है नितु जी आपको हमारा कैफे एयरपोर्ट पे खोला है? ब्यूटीफुल, ऐसा लगता है हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं। हाँ, एयरपोर्ट ही है ये। वो देखिए सामने जहाज भी खड़ा है जिसमें आपकी फ्लाइट है ना। इसके बाद रणबीर भाई जी, आपको अपने चार्टर में आने से कोई दिक्कत नहीं हुई? चार्टर सर, मैंने कभी चार्टर पे ऐसा, मैं खुद के पैसे देके कभी चार्टर पे नहीं जाता। जो लोग प्रोड्यूसर लोग फ्री देते मैं उस पे बैठता हूँ, लेकिन खुद के पैसे से कभी चार्टर नहीं लेता। नहीं, मैं तो इसलिए सोचा, मैं कहा इतनी कमाई की एनिमल, एक तो तालियां होनी चाहिए। मुझे लगा कि इतनी बड़ी ग्रैंड हिट हुई है, 2-3 चार्टर तो लिए होंगे, क्योंकि अपना चार्टर होने के फायदे क्या क्या हैं ये इन्होंने फिल्म में विस्तार पूर्वक बताया भी है। बट ही सो क्यूट कि मतलब ऑटो पायलट पे लगा के खुद पैसेंजर को सर्विस करने जो आप गए। उससे ये पता चलता है कि ये कितने डाउन टू फ्लोर है। बहुत बहुत बधाइयां रणवीर भाई। थिएटर में तो धूम मचाई है आपने, बॉक्स ऑफिस पे पूरे वर्ल्ड वाइड, नेटफ्लिक्स पे भी आपकी मूवी ट्रेंड कर रही है, क्या बात है। पर देखिए ये होते हैं संस्कार। इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट हुई, फिर भी आके मेरे साथ ही सोफे बैठे हुए हैं। अर्चना जी को जैसे पता चला ना हमारा शो 192 कंट्रीज में आ रहा है, अब यकीन नहीं करेंगे, इन्होंने जेट मांग लिया नेटफ्लिक्स से। बोलती मैं जेट में आऊंगी, प्राइवेट जेट में। नॉर्मली ये आती है मड से यहाँ तक जेटी में। 15 रुपए लगते हैं किराया, आई थिंक 10 रुपया। आप 10 रुपए की टिकट और 5 रुपए का सिंगदाना भी तो खाती हैं आप। अच्छा। तो 15 रुपए में आती थी। पर देखो अर्चना जी ये होते हैं ऐसे। हाँ। कभी ऐसे उड़ना नहीं चाहिए। हाँ। 1000 करोड़ रुपया कमाया फिल्म ने, शांति से बैठे चुपचाप, है ना। इनका जैसे ही प्रोमो आया ना, रात को इतनी पार्टी की, हैंगओवर में अपने पति को रात को लात मारी, उठो। आप यकीन नहीं करोगे, बोलती 192 कंट्री में आ रही हूँ, इंटरनेशनल स्टार की रजाई में घुस रहे हो। बहुत बुरी बात है अर्चना जी। Oh God! रिधिमा एक बात बताइए। बोलिए। भाई जो होता है राखी पे हमेशा अपनी बहन को खुशी से कोई ना कोई गिफ्ट देता है, एनिमल की कमाई के बाद आप इनकी खुशी से कोई गिफ्ट लेंगी या अपनी खुशी की कोई लिस्ट बनाई हुई है आपने? लिस्ट अभी जारी है, अभी तो हाँ लिख रही हूँ, अभी सोच समझ के और भी आइटम्स ऐड करने हैं, दे दूंगी, ईमेल कर दूंगी उसको। मैं अपनी ऑडियंस को ये बता देना चाहता हूँ, रिधिमा जो है ये अपना जो डेब्यू है वो नेटफ्लिक्स से कर रही हैं, बॉलीवुड वाइफ से। हालांकि आप सब जानते हैं फैमिली में टैलेंट तो नेचुरली है, ब्लड में ही है। जैसे हम लोग अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं ना तो ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव आता है, इनका एक्टिंग पॉजिटिव निकलती है और वो भी रेंज से कई ऊपर। वो रेंज आपने देखी एनिमल में इस बार? Absolutely. इतना वक्त कैसे लगा रही थी मैं आपको, मतलब ये इस फील्ड में आने को? आप अटल सेतु बनने का वेट कर रही थी? एक्चुअली डेब्यू तो मैंने 42 इयर्स में किया था। 2 साल पहले आई थी आपके शो पे जी। आपने मुझे तीखी मिर्ची बोला, सुनी लिया होगा किसी ने, डाल दिया शो में। उनको भी तो चाहिए था मिर्च मसाला स्पाइसी। तो आप पाजी को क्रेडिट दे रहे हो? बिल्कुल नहीं, मेरा क्या, कपिल जी को ही क्रेडिट मिल रहा है। डिस्कवर किया उसको, पर लोगों ने बहुत पसंद किया था। थोड़ा पापा पार्शल तो थे, होती थी पार्शलिटी आपके साथ? नहीं, पर उन्होंने कभी लाइक ऊंची आवाज में कभी बात नहीं किया हमारे से, इससे उनकी आवाज से डरते थे। जैसे हमारे इर्द गिर्द क्या ना कि सोशल मीडिया आने से पहले ना पापा ओरिजिनल ट्रोलर थे। तो पापा रात को 2 नींबू पानी पीने के बाद रात को पापा सबसे पहला कॉल ज्यादा था पापा के छोटी बहन को, जो हमारी बुआ है। हाँ। और उनको 1 घंटा वो ट्रोल करते थे। अच्छा। तो ऐसी खिंचाई करते थे। तो वी एज एन ऑडियंस, क्योंकि हम सब साथ में बैठते थे रात को, मम्मी, रिधिमा और मैं, हमें बहुत मजा आता था। लेकिन वो रो रही होती थी, फिर वो उनकी मम्मी को फोन करती थी, मेरी मम्मी को फोन करती थी, फिर दोनों पापा को गुस्सा होते थे। अच्छा। तो ये रोज का ये प्रोग्राम था। तो फॉर अस इट वाज वेरी एंजॉयबल टू सी आवर फादर, यू नो, प्लेइंग द मिस्चिफ विद हिज सिस्टर, दोस्तों के साथ। तो वो उस मिजाज के इंसान थे, क्योंकि ऑलवेज मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड भी थे। हमारे इर्द गिर्द अगर कुछ किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो ऐसे उनका टेम्पर जाता था, उससे ही हमारी हालत खराब होती थी। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था और मुझे मतलब वेजिटेबल्स खाने का इतना शौक नहीं था, तो पापा सिर्फ ऐसा मुझे देख के बोलते थे, मूव द वेजिटेबल्स, और मेरे बड़े बड़े आंसू ऐसे गिरते थे। इतनी मुझे मेरी फटती थी, रो किसकी नहीं फटती थी। और ये ऐसी इंसान थी कि इसको हमेशा अपनी दुकान अलग से लगानी थी, क्योंकि शी कुड नॉट बेयर कि कोई अगर कुछ कोई खा रहा है, प्याज खा रहा है तो मुंह से आवाज आ रही है, मुझे इरिटेशन। तो अगर हम यहाँ खाना खा रहे, ये जहाँ उधर बैंड है वहां जाके वो खाना खाती थी। अर्चना जी के घर पे तो डिनर पे जा ही नहीं सकती फिर आप, और अभी इसकी बेटी इतनी आवाज करती है। हाँ। ना। अरे मैंने वीडियो देखा आपका एयरपोर्ट पे, तो ये लोग एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे थे, पीछे मीडिया वीडियो सब आ गया होगा, तो रिधिमा चुपचाप अपना बोर्डिंग कार्ड दिखा रही है और वो घूम घूम के समाना थी, इतनी क्यूट लग रही थी। पसंद है उसे, बहुत पसंद है फोटो खिंचाना, स्टाइल मारना, पोस्ट करना। इससे पहले हम गए थे करीना के बेटे के बर्थडे के लिए, तो वो भी आई थी मेरे साथ। तो मुझे पहले बोला कि आर के बाहर वीडियो होगी, ऐसे ना होगी, अच्छा तो मैं ऐसा पोस्ट करूंगी, ऐसा पोस्ट करेगी। शी लव्स इट, कैमरा को भी बहुत प्यार है कपूर से।